वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई प्रेरणा महिंद्राज वेलकम यू ऑल टू महिंद्राज एसएससी क्लासेस स्पेशली रनिंग फॉर योर ऑल दी एसएससी एग्जामिनेशन। चाहे आप सीजीएल की बात करें, सीएचएसएल की बात करें, सीपीओ की बात करें या कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की बात करें, तो आज का हमारा स्पेशल क्लास है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्लाइड में लिखा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ट्रिक्स। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं। अगर आप इस ट्रिक्स को अप्लाई करते हैं एग्जाम में सॉल्व करते वक्त, तो आप क्वेश्चन को बहुत कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है डाटा एनालिसिस, ठीक है? तो आप लोग में से काफी स्टूडेंट्स का ये डिमांड भी था, मुझे टेलीग्राम में भी टेक्स्ट आ रहे थे, आप लोगों के चैट में भी करते थे, आप लोगों का टेक्स्ट आता था कि मैम थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बार फिर से बता दीजिए। हालांकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो बेसिक है विद सम क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहां पे YouTube में करवाया हुआ है, लेकिन आज मैं ये स्पेशल क्लास लेकर आई हूं स्पेशल ट्रिक्स के ऊपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें आप टाइम मैनेज यहाँ पर कर सको, जिसके वजह से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को और सबसे ज्यादा वो इस चीज को फेस करते हैं, है ना? तो जैसे कि आप लोगों का, जैसे आप लोगों को ये डाटा एनालिसिस वाली पार्ट की मैं बात करूं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको पैसेज दिया जाता है, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने आपको एक पैसेज दे दिया, ठीक है, और वो पैसेज में मैंने आप लोगों को टोटल मान लीजिए 10 क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। अब मैंने आपको 10 क्वेश्चंस दे दिया और मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया। अब 10 क्वेश्चंस हैं और उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 3 घंटे का टाइम दिया, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप लोग डेफिनेटली उसको सॉल्व करोगे, 3 घंटे 4 घंटे इस तरीके से मैं टाइम दे दूंगी तो आप लोग उसको इजिली सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर एक एरर डिटेक्शन की क्वेश्चन की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं आपको एरर डिटेक्शन का एक ही क्वेश्चन देती हूं, सिर्फ 1 क्वेश्चन देती हूं, और उसके लिए मैं आपको 3 घंटे का अगर टाइम दे देती हूं, तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी 3 घंटे में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन क्या है कि एरर डिटेक्शन के लिए होते हैं रूल्स, तो अगर आपको वो रूल्स याद है तो आप आंसर कर पाएंगे। रूल्स नहीं याद है तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं पूरा का पूरा दिन भी आपको दे दूं तो भी आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बिल्कुल स्ट्रेट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। If you know the rules, you will be able to answer the question. If you don't know the rules, you will not be able to answer the question, even if you are provided an entire day to solve the question. ठीक है, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो हमारा डाटा एनालिसिस वाला पार्ट होता है इसके लिए आपका नो रूल्स है, कोई भी रूल्स नहीं है, बस कुछ ट्रिक्स है, कुछ स्ट्रेटजीज है जिसको आप फॉलो अप करेंगे तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी, यहाँ पे जितने भी जन आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जो अभी इस क्लास को देख रहे हो, आप लोगों को अगर मैं 10 क्वेश्चंस दे दूं एक पैसेज के साथ और 3-4 घंटे का टाइम दे दूं, तो आप लोग में से कोई भी मुझे ये नहीं कह पाएगा कि मैम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। आप लोग सभी कोई उसको सॉल्व कर लोगे, और इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें कोई रूल्स ही नहीं है। आपको चीज को पढ़ना है, डाटा को पढ़ना है, एनालाइज करना है, समझना है बेसिकली, और फिर उसका आंसर कर देना है, यही स्ट्रक्चर में आपको मूव अहेड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं सॉल्व करने में। तो यहाँ पे गेम किस चीज का है, टाइम का। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर हमें कुछ सीखना है तो वो है टाइम मैनेज, क्योंकि क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे वो सॉल्व तो सभी कोई कर लेगा, ठीक है, गिवन क्वेश्चन को सॉल्व तो सभी कोई कर लेगा, लेकिन एग्जाम वही क्लियर करेगा जो उस क्वेश्चन को बिल्कुल कम से कम टाइम में सॉल्व करेगा। तो ये कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए मैं आप लोगों को कुछ ट्रिक समझाऊंगी। इनफैक्ट मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी अलग अलग, कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और उन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे, तो आप टाइम बचाकर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो लेट अस प्रोसीड, लेट अस मूव अहेड इनटू इट, ठीक है। चलिए, तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मैं पहले प्रोवाइड कर देती हूँ, और वो ये है कि किसी भी तरीका का आपको इंक्वायरी हो, कोई भी इशू हो, आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दिस इज द टोल फ्री नंबर ऑफ महिंद्रा। यहाँ पे आप सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारी जो हेल्पलाइन सपोर्ट टीम है वो आपके किसी भी डाउट्स को क्लियर करेगी, चाहे वो पीडीएफ रिलेटेड कोई इशू हो, इवेंट रिलेटेड कोई इशू है, एसटी पोर्टल में टेक्निकल इशू हो, और यू वांट टू टेक एडमिशन इन एनी ऑफ आवर अपकमिंग बैचेस, और परचेज एनी काइंड ऑफ स्टडी मटेरियल और एसटी पैकेजेस, उन सबकी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड
कर दी जाएगी, ठीक है। आपको बस इस नंबर पे कॉल करना है इस टाइम के बीच में, और इसके जस्ट नीचे मैंने यहाँ पे अपने ग्रुप का टेलीग्राम लिंक लिख दिया है, ठीक है। आपको बस यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट द लिंक एंड ऐड योरसेल्फ इन द ग्रुप। आप लोग में से काफी जन ऑलरेडी ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, तो जो लोग ऐड नहीं है वो लोग इसमें ऐड हो जाए, ताकि वहां पे जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ या आपकी पर्सनल कोई क्वेरी हो, प्रैक्टिस करते वक्त कोई क्वेरी आए, तो हर टाइम तो आप क्लास का वेट नहीं करेंगे कि यूट्यूब में जब मैम आएंगी 5:30 PM तभी हम पूछेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते करते आपको जो भी डाउट हो आप वहां पे भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन जब भी मैं देखूंगी उसका वहां पे मैं आप लोगों को आंसर कर दूंगी, ठीक है। तो आप इस ग्रुप में सभी कोई ऐड हो जाए, जस्ट कॉपी पेस्ट द लिंक एंड ऐड योरसेल्फ इन द ग्रुप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है पहले उसको समझते हैं, और उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट में आस्क स्टूडेंट्स टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ पर्टिकुलर पैसेज। बेसिकली कहने का मतलब है एक पैसेज दिया गया रहेगा और उससे रिलेट करके आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए रहेंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज यहाँ पे 10-12 लिखा है अप्रोक्सीमेटली, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चंस ही रहते हैं। ये हमारा मार्क्स वेटेज रहता है, हर क्वेश्चन का एक मार्क्स रहेगा, तो आपको उसको सॉल्व करना है हमारे गिवन टाइम पीरियड में। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको 5-5 क्वेश्चंस के 2 पैसेज दे दें, ठीक है। एवरेज मार्किंग यही रहेगा, तो 5-5 क्वेश्चन के 2 पैसेजेस भी दे सकते हैं और 10 मार्क्स का एक कंप्लीट पैसेज भी दिया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एटलीस्ट लास्ट 15 इयर्स क्वेश्चन पेपर्स। कम से कम लास्ट का 15 साल का क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ना ही है। और ये क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से यूज कर सकते हैं, कहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स एकदम इजीली अवेलेबल है, वो है हमारा ST पोर्टल, ठीक है। आप महिंद्रा के जब ST पोर्टल में जाएंगे तो वहां पे जो आपका स्टडी मटेरियल्स है, ठीक है, तो वहां पे जो आपका स्टडी मटेरियल है वहां पे प्रीवियस ईयर्स का कंपाइलेशन हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया है, क्वेश्चन और आंसर एक्सप्लेनेशन हर चीज के साथ में। तो वहां से उस चीज को आप यूज करें, ठीक है, उस चीज का फायदा उठाएं, उसको आप वहां से आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर से आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा कि हमें किस पैटर्न में प्रोसीड करना है। प्रीवियस ईयर का जानना, प्रीवियस ईयर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिना प्रीवियस ईयर पढ़े आप कभी भी एग्जाम का सही मायने में पैटर्न को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जैसे अगर मैं 15 साल की बात करूं तो मान लीजिए 2005 से लेके 2019 तक तो आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2005 पहले किया, फिर 2006 किया, ठीक है, एंड सो ऑन, ये वाले प्रोसेस में ना जाए, उल्टा जाए। मतलब पहले 2019 सॉल्व करिए, फिर 2018 सॉल्व करिए, और उसके बाद फिर पीछे की तरफ प्रोसीड करिए 17, 16, 15 ऐसे करके। और इसका रीजन क्या है देखिए, क्योंकि अगर आप 2005 से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो अब आप मान लीजिए आप सॉल्व करते करते 2012 तक पहुंचे, ठीक है, लेकिन आपका उसी बीच में कोई एग्जाम आ गया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में तो टाइम लगता है, आप एक दिन में तो सारे नहीं कर सकते हैं। अगर आप 15 साल का पेपर सॉल्व करते तो कम से कम आपको 2 महीने लगेगा, क्योंकि आप एवरीडे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे, है ना। तो अब आप 2012 तक पहुंचे और उसके बाद आपका एग्जाम आ गया, तो अब आप मुझे बताइए अगर आप एग्जाम के क्वेश्चन के रेलिवेंसी मिलाएंगे कि कौन सा पैटर्न में क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 2005 ज्यादा रेलेवेंट रहेगा या 2019? ऑब्वियस सा बात है 2019 ज्यादा रेलेवेंट रहेगा, 2005 नहीं रहेगा। इसलिए आप पीछे से आगे बढ़ेंगे, ताकि आप अगर 2019 से प्रैक्टिस करते करते 2012 तक अभी पहुंचे हैं और कोई आपका एग्जाम आ जाए तो एटलीस्ट जो लेटेस्ट पैटर्न है उससे आप अकस्टम्ड रहेंगे, आपको पता रहेगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का लास्ट 15 ईयर जरूर करें, और ट्रिक्स जानने के बाद, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ये लर्न करने का चीज नहीं है, ठीक है, और आना आपके ग्रामर के जैसे रूल्स को भी डेली रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। जिस तरीके से आप मैथ्स एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आपका रीजनिंग एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैरा जंबल्स, ये जो डाटा एनालिसिस वाला पार्ट है, ये आपको एवरीडे बेसिस में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि आप इसको कम से कम टाइम में एग्जाम में सॉल्व कर सके। क्योंकि देखिए इसके लिए अभी मैं आप लोगों को आने वाले स्लाइड्स में ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज बता दूंगी जिससे आप कम टाइम में सॉल्व कर सके, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि वो ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज आप जान गए
हो तो अब आप सीधे एग्जाम में जाके उसको अप्लाई करोगे और सॉल्व कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज के द्वारा आपको घर पे रोज प्रैक्टिस करना होगा, सिर्फ मैजिक सीखने से नहीं होता है। जब तक आप खुद अपने हाथों में सफाई नहीं लाएंगे उस मैजिक का, आपको किसी ने स्पेल सिखा दिया कि ऐसे ऐसे करो ये मैजिक है, तो आप जब तक उसको खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे आप उसको अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर होगी। तो उसमें अपने प्रैक्टिस को हमें इम्प्रूव करना है और अच्छे से करना है कि हमारे तरफ से कोई गलती ना हो, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना, वो एकदम हाथों की सफाई लाने के लिए क्या करने का जरूरत है, प्रैक्टिस करने का। सिर्फ ये नहीं कि मैम ने ट्रिक समझा दी आप सीधे एग्जाम में जाके अप्लाई कर देंगे, कभी आप टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसमें आप एवरीडे प्रैक्टिस करोगे तभी आपका धीरे धीरे करके स्पीड बढ़ेगा। तो ये ऐसी चीज है कि जिसके एटलीस्ट दो क्वेश्चंस यानी कि दो पैसेज, 20 क्वेश्चंस लगभग आप लोगों को हर दिन प्रैक्टिस करना ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रिक्स में कि यहाँ पे कुछ आपको मैं टिप्स प्रोवाइड करूंगी। ये जो टिप्स होगा ये बेसिकली हमारा ट्रिक्स होगा और स्ट्रेटेजीज होगा जिसको आप फॉलो करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला इसमें इंपॉर्टेंट है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं करते हैं तो वहां पे आपका टाइम जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा ही लगेगा। क्योंकि देखिए ये ऐसी चीज है जो आप जिसके बारे में पहले से नहीं जान रहे हैं, आपने उसको अभी पढ़ा और अभी पढ़कर ही आप उसका आंसर करेंगे, है ना। तो अब जब आप उसको अभी पढ़कर उसका आंसर करेंगे तो आपको उसमें ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि आपने ये चीज पहले कभी पढ़ी नहीं है। अब उस वक्त आप सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप में मैंने जो स्टेटस डाला या इंस्टाग्राम में उसमें उसको मेरे कितने फ्रेंड्स ने देखा, कितने जन ने लाइक किया, ठीक है, और जिसके लिए डाला है उसने देखा कि नहीं देखा, फिर बाहर पड़ोसी के बीच में कुछ लड़ाई हो रही है तो एक बार माइंड किया कि चलो उसको देख के आते हैं, या कान वहां पे कि सुने बाहर क्या बातें चल रही है। तो ये सब चीज से आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होगा। तो देखिए इससे आपको पैसेज समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, वो आप समझेंगे तो जरूर, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा आप उसको पढ़ते जाएंगे, लेकिन उससे टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो आपका टाइम जो है वो कम कंज्यूम होगा और आप कम से कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, डोंट रिलाई टू मच ऑन प्रायर नॉलेज। प्रायर का मतलब होता है पहले, मतलब आपको अगर एक टॉपिक एग्जाम में देखने को मिल रहा है जिसके बारे में आपको पहले से नॉलेज है, ठीक है, आप जिसके बारे में पहले से जानते हैं, तो कोशिश ये करिएगा कि ये वाली चीज को आप साइड रखें, ठीक है। डोंट रिलाई मतलब उस पे निर्भर ना रहें, उस पे आधारित आंसर्स ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी टॉपिक के बारे में पता है, ठीक है, तो हो सकता है ऑथर भी उसी चीज के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑथर ने जो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है, जो पैसेज दिया है, उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। तो अब अगर उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं तो ये आप ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कि नहीं मुझे पता है मैं खुद से ही आंसर कर दूंगा या खुद से ही आंसर कर दूंगी। आप हमेशा पैसेज में ये चीज को क्रॉस चेक जरूर करें कि हमें जो लगता है वो ही ऑथर को भी लगता है कि नहीं, और उन्होंने वो पॉइंट पैसेज में मेंशन किया है कि नहीं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और इसका आंसर तो मुझे खुद ही पता है, ये टॉपिक के बारे में तो मैं जानता ही हूं तो इसको मैंने खुद ही मार्क कर दिया, ये गलती ना करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपको कोई आर्टिकल्स वगैरह दे देते हैं, है ना, और ये आर्टिकल्स कहाँ से लिए गए रहते हैं, ये आर्टिकल्स न्यूज़पेपर से लिए गए रहते हैं। एंड बीइंग एसएससी स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कोई न्यूज़पेपर वगैरह पे चेक रखते हो, एवरीडे बेसिस पे पढ़ते हो, ठीक है। तो अब जब आप ये न्यूज़पेपर वगैरह पे चेक करते हैं, रखते हैं और एवरीडे बेसिस में उसको पढ़ते हैं, तो हो ही सकता है कि जो पैसेज दिया गया है, जो आर्टिकल को न्यूज़पेपर से दिया गया है, जैसा मैंने कहा कि ये लोग डायरेक्टली न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स दे देते हैं, तो अगर ऐसा दिया गया है तो उसमें क्या होगा कि आप इजीली आंसर कर दोगे, आपको कि हाँ ये तो हम जानते हैं, खुद से भी कर देंगे। पर ये भी हो सकता है कि जो आपका एग्जामिनर है उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट और टर्न कर दिया है, यानी कुछ चेंजेस अप्लाई कर दिए हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप उन चेंजेस को क्रॉस चेक जरूर करें आंसर मार्क करते वक्त, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपने आइडिया के हिसाब से आंसर कर दिया, पैसेज जो होता है उसको हम फिक्शन ही मानते हैं, इसका पैसेज का मतलब कभी ये नहीं होता कि वो एब्सोल्युटली करेक्ट होगा ही होगा। पैसेज मतलब एक तरीके का स्टोरी हो गया, तो अब उसको मोल्ड कर
करके कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा आंसर्स के जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, सॉरी जो ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर रहे हो उसके पहले उसको पैसेज में क्रॉस चेक जरूर करें कि एग्जामिनर भी उसी चीज की बात कर रहा है कि नहीं। एक बहुत सिंपल सा आपको मैं एक चीज बताती हूँ। अब मान लीजिए आपके एग्जाम में जो आपको पैसेज दिया है वो आपका टर्टल और रैबिट की स्टोरी दी गई है, ठीक है, टर्टल और रैबिट, ठीक है। तो अब ये स्टोरी सभी कोई जानते हैं, कछुआ और खरगोश का स्टोरी। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेस किसने जीता, हु वन द रेस एट लास्ट, तो सभी कोई को पता था कि टर्टल रेस जीता, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उस पैसेज को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और उसमें अंत को चेंज कर दिया। उन्होंने पैसेज में कुछ ऐसा बनाया कि रैबिट जो है, यहां तक तो ठीक है, रेस स्टार्ट हुआ, रैबिट बहुत आगे निकल गया और फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस के लिए कि अरे ये टर्टल तो अभी बहुत पीछे, तब तक मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, वो सो गया और उसके बाद टर्टल उसके आगे निकल गया। तो अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि फिर टर्टल जीत जाता है और रैबिट हार जाता है, लेकिन एग्जामिनर ने क्या किया, उस स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया और आगे ये लगाया कि टर्टल जब आगे निकल जाता है तो रैबिट का कोई तीसरा फ्रेंड है माउस, ठीक है, चूहा, वो आता है और वो उसको जगा देता है कि भाई देखो टर्टल तुमसे आगे निकल गया। तो ये रैबिट फटाफट से सोकर उठता है और दौड़ लगाता है और फिर वो टर्टल को पीछे छोड़कर आगे निकल के लास्ट में रेस जो है वो यही जीतता है, टर्टल नहीं जीतता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हु वन द रेस एट लास्ट, तो आंसर रैबिट होगा। तो देखिए जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से तो आंसर टर्टल ही होगा क्योंकि सभी को ये स्टोरी अच्छे से जानते हैं, पर एग्जामिनर ने इसके अंत को ट्विस्ट कर दिया। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर हम किसी चीज के बारे में पहले से जानते हैं, ठीक है, अगर हमें उसके बारे में पहले से नॉलेज है, फिर भी हम पूरा पूरा अपने नॉलेज के हिसाब से आंसर नहीं करेंगे। हम ध्यान रखेंगे कि ऑथर ने भी वैसा ही मेंशन किया है कि नहीं, अगर उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं तो हमें आंसर उनके हिसाब से ही करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहता है, इनफैक्ट इंस्ट्रक्शन में भी क्लियरली लिखा रहता है कि आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज में जो इंफॉर्मेशन है आंसर आपका उस पर ही आधारित होना चाहिए, उसके अलावा आप कहीं से कोई पॉइंट लगा कर आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो ये हमारा एक और ट्रिक बना, पहला था कंसंट्रेट करना है, दूसरा है प्रायर नॉलेज, पहले से जो नॉलेज है उस पे डिपेंड नहीं करना है, तीसरा ट्रिक क्या है, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अगर आप ये स्ट्रेटेजीज, ये ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। मेरा ये पर्सनल मानना है कि आप लोगों को पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने का जरूरत नहीं है, पैसेज का आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले करना पड़ेगा रीड द क्वेश्चंस, ठीक है, बिकॉज इट सेव्स टाइम। और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट चीज क्या पढ़ेंगे, ऑप्शंस पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को आंसर लिखना नहीं है, आप लोगों को अच्छे से पता है, ऑप्शंस दिए गए रहेंगे, उसमें से करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब आपने क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ लिए, क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ने के बाद उसमें से आप निकालेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का मतलब क्या है, जो उस सेंटेंस का, जो उस क्वेश्चन या वो ऑप्शन का सेंट्रल आइडिया है, जो एक वर्ड या दो वर्ड उस पूरे सेंटेंस को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एकदम हेडिंग लिखा है, हेयर आर सम टिप्स फॉर हैंडलिंग क्वेश्चंस फ्रॉम पैसेज, ठीक है, तो इसका कीवर्ड क्या निकला, टिप्स हैंडलिंग क्वेश्चंस। तो ये तीन वर्ड से हमें पता चल जा रहा है कि हमारा मेन ये सेंटेंस का मुद्दा क्या है, और वो है स्ट्रैटेजीज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हर एक सेंटेंस का, चाहे वो क्वेश्चन हो या ऑप्शन हो, उसका कीवर्ड जरूर होता है। आप लोगों को रफ शीट प्रोवाइड किया जाता है, तो उस रफ शीट में आप लोग कीवर्ड्स लिखेंगे और फिर कीवर्ड्स लिखने के बाद कीवर्ड्स के थ्रू पैसेज में जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन और ऑप्शंस पढ़ा, कीवर्ड्स रफ में लिख लिया, अब पैसेज में जाके सिर्फ कुछ शब्द को ढूंढेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा पैसेज पढ़ने जाओगे तो 8-10 लाइन का पैसेज नहीं होता है, अच्छा खासा 4-5 पैराग्राफ का, 2-3 पेज के लगभग का क्वेश्चन रहता है, पैसेज रहता है। तो अगर आप उसको पूरा पढ़ने जाएंगे तो आपका लगभग 10 मिनट्स कंज्यूम हो सकता है, इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर एंड You don't rapidly understand the thing. अगर आपको चीज को पढ़ के समझने में टाइम लगता है तो आपको 10 मिनट तो लगभग लग ही जाएगा। तो अब आपने पूरा पैसेज पढ़ा, पैसेज पढ़ के फिर क्वेश्चंस में गए, क्वेश्चंस देखा, अच्छा हाँ ये पढ़ा था इस पार्ट में, फिर उस पार्ट में वापस गए, फिर आंसर को टैली किया, तो इसमें कितना टाइम लगेगा।
जाएगा। एक तो पैसेज पढ़ने में स्टार्टिंग में ही आपने पूरा टाइम वेस्ट कर ही दिया है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सिर्फ कीवर्ड निकालेंगे यानी मेन शब्द को ऑप्शन से निकालेंगे, ठीक है। तो अब जब आपने मेन शब्द को ऑप्शन से निकाल लिया, अब उसके बाद पैसेज में जाके उसको ढूंढेंगे कि ये शब्द कहाँ लिखा है, पढ़ेंगे नहीं। देखिए, पढ़ना, पूरे पैसेज को पढ़कर समझना और सिर्फ एक शब्द को खोजना, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक पूरा पैसेज को पढ़कर समझने में आप 10 मिनट लगाएंगे और एक वर्ड को आप पूरा पैसेज में ढूंढेंगे, अगर वो पैसेज के अंत में भी लिखा रहेगा तो आप 1 मिनट के अंदर ही उसको ढूंढ लेंगे, क्योंकि आप तो कुछ पढ़कर समझ नहीं रहे, आप सिर्फ एक शब्द को ढूंढ रहे हैं, है ना। तो अब जैसे ही कीवर्ड मिला, अब जहां पे आपको कीवर्ड मिलेगा, ठीक है, अब जैसे ये आपका पैसेज है, ये आपका पैसेज है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ आपको कीवर्ड मिल गया, तो जहां आपको कीवर्ड मिल जाएगा आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को, उसके आगे वाले सेंटेंस को और उसके पीछे वाले सेंटेंस को, एटलीस्ट 3 लाइंस को ठीक से पढ़ेंगे और उसके बाद जहां से आपने कीवर्ड निकाला है, चाहे वो क्वेश्चन हो या फिर ऑप्शन हो, ठीक है, उसमें से जो कीवर्ड निकाला है उसके साथ टैली करेंगे, अगर मिल गया तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए ज्यादा सिंपल होता है क्योंकि इसमें आप टाइम बचाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि एक पैसेज जो है वो 5 पैराग्राफ में डिवाइडेड है, ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ से पैराग्राफ से पूछा गया है, यानी कि आपका जो थर्ड एंड फोर्थ पैराग्राफ था उससे आपको कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। तो अब जो ये थर्ड और फोर्थ पैराग्राफ करने में मान लीजिए लगभग आपने 3 से 4 मिनट्स लगाए हैं, ये आपका वेस्ट गया कि नहीं गया, क्योंकि हमारा मेन काम ये नहीं होता कि हम पैसेज को समझे, अंडरस्टैंड करें, हमारा मेन इंटेंशन, मोटो यही होता है कि फटाफट से क्वेश्चंस के आंसर करें और उसको सॉल्व कर जल्दी से ओवर करें, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा का पूरा पैसेज को पढ़कर समझना अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीजें भी आप पढ़ सकते हैं जिसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम मतलब जो हमारा क्वेश्चन है बेसिकली उसके आंसर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा कुछ ट्रिक्स था जो मैंने आपको सिखाया, अब मैं आपको कुछ और भी ट्रिक सिखाऊंगी जो हमारा क्वेश्चन से बेस्ड होगा, यानी जो आपके जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पूछने का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, तो हम जो क्वेश्चन के टाइप्स है कि किस टाइप से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और कौन सा टाइप का क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक लगना चाहिए, अभी हम लोग नेक्स्ट आने वाले स्लाइड्स में उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि ये हमारे नवंबर के अलाइंड बैचेस है, जिसमें 4, 11 और 18 को ये सारे बैचेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसमें तो अगर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली इसमें नहीं लेंगे, फ्रेश बैच में ही एडमिशन लेंगे। तो फ्रेश बैच जो है वो हमारा 25th को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो ज्यादा दिन वो आपका मिस हुआ नहीं है, 1-2 दिन हो सकता है, तो आप क्या करेंगे उस बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं ताकि आप वहां पे कंटिन्यू कर सके अपनी पढ़ाई को। 3 से 5 के बीच में आपका SSC का बैच है और 1 से 3 के बीच में आपका बैंक का बैच है, ठीक है, और दोनों ही बाइलिंगुअल हैं, यानी कि दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाएगा, हिंदी इंग्लिश, एज पर द कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। और ये नीचे दिया गया है टोल फ्री नंबर, इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिशन प्रोसेस को समझ सकते हैं और आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, ऑनलाइन क्लासेस ये कैसे करेंगे, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, क्या चीजें आपको फॉलो अप करनी है, समझनी है, वो पूरा डिटेलिंग आपको पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो मेल अस ऑन www.mahindras.org, हमारी जो टीम है वो डेफिनेटली आपको रिवर्ट बैक करेगी और आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आपको एडमिशन का अगर बात किया ही है तो एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज भी दे दूं कि एडमिशन लेते वक्त आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड पॉइंट दिख रहा होगा कि 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ महिंद्रा, चाहे आप कोई क्लास में एडमिशन लीजिए या आप ST पैकेज या करेंट अफेयर्स पैकेजेस या कोई स्टडी मटेरियल को परचेज करिए, हर चीज में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं, दैट इज E13827।
ठीक है, इस प्रोमो कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है, किसी भी चीज में। जैसे आप मिंत्रा, अमेज़न, उबर हर जगह पे शॉपिंग करते वक्त या कैब बुक करते वक्त कुछ प्रोमो कोड्स का कभी कभी आप लोगों को मिला रहता है ऑफर, तो वो अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट का डिस्काउंट हो जाता है, ठीक, वहां यहाँ पे भी यही प्रोसेस है, ठीक है। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाईलाइट करके एक ग्रुप का नाम लिखा गया है, दैट इज इंग्लिश महिंद्राज लाइव। ये हमारा महिंद्राज का पब्लिक ग्रुप है, ठीक है, दिस इज अ पब्लिक ग्रुप ऑफ महिंद्राज जो टेलीग्राम में रन करता है। यहाँ पे मैं और हमारे इंग्लिश की जितनी भी एक्सपर्ट फैकल्टीज है सारे एडेड हैं, तो आप यहाँ पे अपनी क्वेरीज हमारे साथ क्लियर कर सकते हैं। आपको हर दिन 5:30 बजे तक वेट नहीं करना पड़ेगा कि जब मैम आएंगी तभी हम डाउट क्लियर करेंगे। आप यहाँ पे कभी भी प्रैक्टिस में कोई भी दिक्कत हो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, जो भी वहाँ पे हमारी फैकल्टी अवेलेबल होंगी आपके क्वेश्चन को देखेंगी, उसका आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आपके इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, इवेंट्स का लिंक और स्टडी मटेरियल ये सब भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस ग्रुप में ऐड होना आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, तो सभी कोई उस ग्रुप में ऐड हो जाए। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली टेलीग्राम में जाके आपको टाइप करना है इंग्लिश महिंद्राज लाइव, ये ग्रुप आपको दिख जाएगा क्योंकि ये पब्लिक ग्रुप है। और ग्रुप जैसे ही दिखेगा नीचे आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर नीचे की तरफ आपको ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है, आप अपने आप ही इस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और ये किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसका ट्रिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है जो WH वर्ड से पूछे जाते हैं, जो आपके पैसेज के फैक्ट्स, डाटाज, आइडियाज इन सब को कवर किया जाता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस सिंपल कीवर्ड्स ढूंढना है और कीवर्ड्स ढूंढेंगे, कीवर्ड्स निकालेंगे हमारा क्वेश्चन और ऑप्शंस का, और उसके बाद जाके पैसेज में इन कीवर्ड्स के द्वारा आंसर को मार्क कर देंगे। इसका बस यही सिंपल लॉजिक है जो मैंने अभी इसके जस्ट पहले आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट है इन्फरेंस बेस्ड। इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, इन्फरेंस का मतलब होता है बेसिकली कंक्लूजन, राय जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कंक्लूजन या राय देना है लेकिन अपना नहीं, ठीक है। व्हाट इज द ऑथर थिंकिंग और व्हाट आर हिज आइडियाज, व्यू पॉइंट्स और अजम्पशंस। लास्ट में यहाँ पे मैंने ये एक्स्ट्रा में लिखा है, नेवर यूज योर ओन आइडिया, क्योंकि जब भी कंक्लूजन करने का या राय देने का बात आता है हम लोग अपने आइडियाज को भी बहुत ज्यादा महत्व देते हैं कि हमारा राय क्या है। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारा जो भी आंसर्स है वो पैसेज पे आधारित होना चाहिए। तो हो सकता है कि ऑथर ने जिस चीज के बारे में बात की है आपका राय वैसा नहीं है, आपका राय उससे थोड़ा डिफरेंट है, आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, ठीक है। तो अब आपका राय और उनका राय अलग हो सकता है, आपका राय जो है वो ऑप्शन ए में दिया है और उनका राय जो है वो ऑप्शन सी में दिया है। तो आप कभी भी ये गलती ना करें कि ऑप्शन ए को मार्क कर दे, क्योंकि ये गलत होगा। ऑथर का जो राय है हमारा आंसर उनके राय पे बेस्ड होना चाहिए, हमारे अपने राय पे वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने लास्ट में ये हाईलाइट करके एक्स्ट्रा में लिख दिया है कि नेवर यूज योर ओन आइडिया, अपने आइडिया को ना अप्लाई करें, ऑथर के हिसाब से ही आंसर करें। ये सेकेंड वाले क्वेश्चन को डील करने का यही हमारा लॉजिक है, ठीक है। भले ही वो गलत हो आपके हिसाब से, और हो सकता है कि वो लॉजिकली भी गलत हो, आप ही करेक्ट हैं, लेकिन उस वक्त के लिए हमको मानना है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं यही सही है और हमारा आंसर जो है इनके हिसाब से ही होना चाहिए, तो उनके हिसाब से ही आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रू और फॉल्स बेस्ड, यानी कि आपको 4 से 5 ऑप्शंस दिए गए रहेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट और इनकरेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। यानी आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द सेंटेंस फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज फॉल्स और नॉट ट्रू अमंग द फॉलोइंग। एक चीज मैं बता दूं, ये जो फॉल्स है ये लोग स्टूडेंट्स को चकमा देने के लिए फॉल्स कभी भी डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, आजकल ये चीज देखा जा रहा है। ये लोग फॉल्स की जगह क्या लिख देते हैं, नॉट ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। तो ट्रू का तो ट्रू ही लिखते हैं लेकिन फॉल्स नहीं लिखते हैं, फॉल्स की जगह वो लोग नॉट ट्रू लिख देते हैं अगर उन्हें नॉट ट्रू मतलब फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए ऑप्शंस में से, ठीक है। और ये इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों के पास किस चीज की कमी रहती है, टाइम की कमी रहती है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हड़बड़ी में ट्रू देखते हैं और नॉट उनसे मिस हो जाता है। तो उस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि ट्रू के साथ नॉट का भी ध्यान रखें कि नॉट ट्रू कहा जा रहा है, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट को मार्क करना है, ट्रू स्टेटमेंट को मार्क करके आ जाएंगे आप लोग तो वो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब ये ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया जाएगा,
सपोज क्वेश्चन आपको दिया है विच इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बाद ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इस तरीके से आप मान लीजिए आपको पांच ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये जो पांचों ऑप्शंस है इसमें पांच सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस हमारा पांचों में से करेक्ट है, ठीक है। अब बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ क्वेश्चन में से तो कोई कीवर्ड नहीं निकलेगा, सिर्फ पूछा जा रहा है विच इज ट्रू। तो अब ये जो हमारे ऑप्शन है इसमें से आप कीवर्ड्स निकालेंगे, तो ए का मान लीजिए x कीवर्ड निकला, b का y निकला, c का z निकला, ठीक है, d का x1 निकला और e का x2 निकला, supposedly ये हमारे कीवर्ड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा सपोज पैसेज है, ठीक है, तो अब हम जब पैसेज में जाएंगे, अब हम पैसेज में यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स को ढूंढना स्टार्ट किए हर एक सेंटेंस में, तो ये जो हर एक सेंटेंस है यहाँ पे जहाँ पे हम वर्ड्स को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखते देखते आप यहाँ पे पहुंचे और आपने देखा यहाँ पे आपको y दिख गया, ठीक है, वाई यानी कि ऑप्शन बी का कीवर्ड। तो जैसा मैंने आपको कहा इस सेंटेंस को, इसके आगे वाले सेंटेंस को और इसके पीछे वाले सेंटेंस को, इतना को आप ठीक से पढ़ेंगे और फिर ऑप्शन बी से टैली करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी से आपने टैली किया, तो टैली करने के बाद आपने क्या देखा, बिल्कुल ये 100% सेम है, ठीक है, ये 100% सेम है, जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि बी हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। अब आपने ए सी डी और ई का भी कीवर्ड्स निकाल के रखा है, तो क्या आप यहाँ पे डबल श्योर होंगे, क्या आप डबल श्योर वाली काम यहाँ पे करेंगे? देखिए आपको लगेगा कि हाँ एक बार के लिए डबल श्योर हो जाते हैं कि बी तो हमें मिल चुका है लेकिन बाकी कीवर्ड्स भी लिख लिया है, तो उसको पैसेज में देखते हैं कि वो है कि नहीं। यही होगी गलती, हमें डबल श्योर होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, पैसेज सॉल्व कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं कि डबल श्योर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकली लॉजिकली एक पॉइंट सोचिए, आपसे पूछा गया है विच इज ट्रू, तो इज क्या इंडिकेट करता है कि वन सेंटेंस, एक ही सेंटेंस हमारा ट्रू होगा, और अगर आपको वो एक सेंटेंस मिल चुका है पैसेज में, इसका मतलब ए सी डी और ई डेफिनेटली फॉल्स होगा, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन ही दिया है कि इनमें से कोई एक सही है पैसेज के हिसाब से और वो एक आपको मिल चुका है, इसका मतलब बाकी कोई सही होगा ही नहीं, वो इनकरेक्ट ही होगा। तो क्रॉस चेक वहां करो जहां जरूरत है, यहाँ पे क्रॉस चेक का जरूरत नहीं है। बिल्कुल सिंपल लॉजिक से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रॉस चेक का जरूरत नहीं है, आपको जो आंसर दिए गए हैं वो बिल्कुल आपका एक पॉइंट जो मिल चुका है इसका बाद बाकी गलत होना ही होना है। तो अगर आप बाकी सारे को समझने लगेंगे तो लगभग आप 3 मिनट तो इन्वेस्ट कर देंगे, तो आप यहाँ पे टाइम बचाने के लिए ये कीवर्ड वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं, ट्रिक सीख रहे हैं, और फिर आप बाकी को डबल श्योर होंगे जहां रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब तो आप टाइम वेस्ट ही करेंगे। आपने जब सिर्फ बी ढूंढा तो आपको वहां पे मैक्सिमम 30 से 40 सेकंड्स लगा, उससे ज्यादा तो नहीं लगा, तो आंसर आपका 1 मिनट के अंदर ही आ गया था। लेकिन अगर आप मान लीजिए मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं लगेगा, लेकिन अब जब बाकियों को भी आप टैली करने लग जाएंगे तो वहां पे कम से कम 3 मिनट लग जाएगा। 5 ऑप्शंस के लिए मिनिमम टाइम कितना है उसको ढूंढना, 3 मिनट तो मिनिमम मान के चलेंगे, मैक्सिमम 5 होगा पर 1 मिनट फॉर ईच सेंटेंस। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा लॉजिक क्लियरली यही बोल रहा है कि एक करेक्ट होना था और जो करेक्ट होना था वो आपको मिल चुका है, तो बाकियों को हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और वो तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाएगा विच इज और आर ट्रू अमंग द फॉलोइंग, मतलब नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें एक और एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इज और आर में ये आर इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ एक नहीं एक से ज्यादा भी ट्रू हो सकता है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसके नीचे आपको इसी तरीके से ए बी सी डी ई करके 5 पॉइंट्स तो जरूर दिया जाएगा, ठीक है। अब ये 5 पॉइंट्स हमारे ऑप्शंस नहीं होंगे, ये 5 पॉइंट्स नॉर्मली आपके 5 पॉइंट्स होंगे, ठीक है, और उसके नीचे आएगा हमारा ऑप्शंस। अब ऑप्शंस मान लीजिए ये पहला ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से दिया है ओनली ए, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है ए एंड सी, तीसरा ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिया गया है ए बी एंड ई, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन हमारा कुछ इस तरीके से दिया है ओनली डी,
तो चार ऑप्शंस आपको दिख गए, तो ऑप्शंस देखकर हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि अगर ओनली ए और ओनली डी आया तो इसका मतलब एक ही करेक्ट होगा। तो अब हमें ढूंढना होगा, मान लीजिए यहाँ पे भी आपका कीवर्ड्स निकला एक्स वाई जेड, X1 और X2, ठीक है, तो फिर से वही बात, बी मान लीजिए आपको मिल चुका है, तो अब यहाँ पे क्या आप डबल श्योर होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो करेक्ट नहीं होगा, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है, तो इस पैटर्न के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे। अब देखिए, एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, तो एक तो आपको मिल चुका है, मतलब आप इतना तो श्योर हैं कि बी जो है वो आपका डेफिनेट ऑप्शन है, मतलब इसको होना ही होना है, तो यहां पे आप सबसे पहला काम करेंगे एलिमिनेशन का, ठीक है, सबसे पहला काम करेंगे एलिमिनेशन का, मतलब एक ऑप्शन मिलते ही हम पहले उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देंगे जहां पे आपका ऑप्शन बी नहीं है। पहले वाले में देखिए क्या लिखा है, ओनली ए गया, सेकेंड वाले में ए एंड सी ये भी गया, थर्ड वाले में ए बी एंड ई है तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, फोर्थ वाले में है ओनली डी ये भी गया, तो बचा क्या, थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट बचा। क्योंकि देखिए, अब आपको यहाँ पे ए और ई ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको पता है, इतना बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, आपको इतना पता है कि ऑप्शन बी हमारा डेफिनेटली होना है क्योंकि हमने उसे पैसेज में ढूंढ लिया है, तो अब बाकियों को ढूंढने के पहले हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट तो कर सकते हैं जिसमें बी नहीं है, यही हमारा इसको सॉल्व करने का ट्रिक है जिससे आप टाइम बचाएंगे। तो जब आप एलिमिनेट करने गए और आप बहुत लकी हुए, तो जैसा मैंने आपको ऑप्शंस दिया, आपने बाद बाकी सभी ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया और एक आपके पास बचा, तो इसका मतलब ए और ई भी डेफिनेटली पैसेज में प्रेजेंट होगा, बट हमें वो ढूंढ कर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी सारे डेफिनेटली इनकरेक्ट है, इसको लेके आप श्योर हो चुके हैं। हाँ, अब मान लीजिए कि ऑप्शन डी में आपका जो ऑप्शन फोर है उसमें बी एंड डी दे दे, तो जब अगर उसमें बी एंड डी दे दिया तो अब आपका बी दो सेंटेंस में आ गया, तब आपको दूसरे ऑप्शन को कंसिडर करने का जरूरत है क्योंकि थ्री और फोर में कोई भी एक हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको आंसर वैसे ही आ जाएगा। और अगर मान लीजिए दो बचा, तो दो तो एलिमिनेट हुआ तो कुछ तो एलिमिनेट होगा, और एलिमिनेशन हमेशा बेनिफिशियल होता है, ठीक है, मैं क्लास में आप लोगों को हमेशा बताती हूँ, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो क्वेश्चन हो, जितना ज्यादा एलिमिनेट कर पाओगे इनकरेक्ट समझते हुए कि ये सही नहीं है, उतना लाइफ भी सिंपल होता जाएगा, जो आपके लिए सही लोग नहीं लगेंगे, जिससे आपको नेगेटिव वाइब आता है कि नहीं ये गलत है, उनको लाइफ से एलिमिनेट करिए, देखिए लाइफ सिंपल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हमारा क्वेश्चन का ऑप्शंस भी होता है, जो सही नहीं लगे उसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए, देखिए ऑप्शन जो है सिंपली हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये ट्रिक आप लोगों को समझ में आया, और ये बहुत बेनिफिशियल ट्रिक है, अगर इस तरीके का कोई ट्रिक्स अगर आप लगाएंगे जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होते हैं जिसमें आपको एक भी मिल जाए, तो पहले जाके एलिमिनेशन करें और फिर आगे दूसरे में प्रोसीड करें अगर रिक्वायरमेंट हो तो, इससे हमारा इजीली सॉल्यूशन आता है, ठीक है, और टाइम भी बचता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, तो अभी आप लोगों को मैंने तीन टाइप का क्वेश्चन बता दिया, नेक्स्ट आते हैं फोर में, फोर हमारा क्या है, टाइटल बेस्ड। टाइटल बेस्ड मतलब क्या है, गिव अ सुइटेबल टाइटल एनालाइजिंग द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज का जो सेंट्रल आइडिया है उसको समझ के आपको एक टाइटल प्रोवाइड करना है, मतलब बेसिकली जो होता है पैसेज का नामकरण करना है, एक नाम देना है पैसेज को, ठीक है। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखा है, ऑलवेज अटेम्प्ट एट लास्ट, मतलब क्या, इसको लास्ट में क्यों अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि देखिए टाइटल रिक्वायर करता है सेंट्रल आइडिया। अब मान लीजिए आपको पैसेज में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी में आपको टाइटल पूछ दिया, तो अभी तो आप बिल्कुल ब्लैंक है, और मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें पूरा पैसेज नहीं पढ़ना है, सेंट्रल आइडिया समझने के लिए तो फुल पैसेज का नॉलेज होना चाहिए, तो अब आपको तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा, और मैंने पहला ही आपको ट्रिक बताया है कि पैसेज पूरा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग कीवर्ड्स के द्वारा ही आंसर करेंगे। तो टाइटल वाले क्वेश्चन के लिए हमें क्या ट्रिक अप्लाई करना है, वो ये है, टाइटल वाला क्वेश्चन पहला नंबर पे हो, दूसरा हो, बीच में कहीं हो, या आखिरी हो, इसको अटेम्प्ट हमेशा आखिरी में ही करेंगे। इससे क्या होता है कि आप जब 9 क्वेश्चंस डील कर लेंगे, तो 9 क्वेश्चंस के लिए आपने जितने भी क्वेश्चंस
पढ़े, उसके ऑप्शंस पढ़े, पैसेज के साथ उसको टैली किया, तो कम से कम आपने ऑलरेडी 20 से 25 लाइंस तो पैसेज के पढ़ लिए, और 20 से 25 लाइंस जो आपने पढ़े वो पैसेज के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से ही रहेंगे। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आपका अनइम्पॉर्टेंट पार्ट से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पैसेज का जो मेन मुद्दा रहता है उन्हीं सब चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जब बाकी 9 क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सेंट्रल आइडिया वहां पे मिल जाएगा कि ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, और आप उसको एक नाम प्रोवाइड कर सकते हैं इजीली। मतलब देखिए, ऐसे करने से आपको पैसेज पढ़ना नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आप टाइटल वाले क्वेश्चन को पहले या दूसरे नंबर पे ही करने लगेंगे तो आप ब्लैंक रहेंगे, आप आंसर नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पैसेज तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको नाम कैसे प्रोवाइड करेंगे? पहले चीज को समझेंगे, उसके बाद ही तो उसको नाम दे सकते हैं ना। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमें टाइटल वाले क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करना है, ताकि बाकी क्वेश्चन करते करते हमें सेंट्रल आइडिया का पता चल जाए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करते करते हमें सेंट्रल आइडिया का पता चल जाए और हम उसको मार्क कर पाए। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टाइप क्या है? मैसेज सेंट। ये मैसेज सेंट बहुत सिंपल होता है। इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं? अ सेंटेंस विल बी कोटेड फ्रॉम द पैसेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग विल बी आस्क्ड। एक पैसेज में से एक सेंटेंस को कोट कर दिया जाएगा और आपसे उसका मीनिंग पूछा जाएगा कि आप उससे क्या समझते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंग का मतलब बेसिकली होता है एक्सप्लेनेशन, कि आपने उसके द्वारा क्या समझा। ठीक है, तो एक हमारा कोटेड सेंटेंस रहेगा इस तरीके से, और आपको बताना है कि यहाँ पे इस quoted sentence से आप क्या समझे, इस sentence का meaning हमारा क्या निकल के आता है। ठीक है, और उसके लिए आपको फिर नीचे options दिए गए रहेंगे। तो basically जैसे word होता है और उसका multiple meaning दे दिया, आपको choose करना है इस word का meaning क्या है, वैसे ही एक sentence लिखा रहेगा passage से उठा के, जिसको आपको 4 या 5 तरीके से explain किया जाएगा, और आपको उसमें से बताना है कि कौन सा explanation इसका appropriate है। ठीक है, और उसी option को आप mark करेंगे। Next आते हैं quoted sentence। कोटेड सेंटेंस में भी इसी तरीके से एक पैसेज में से एक सेंटेंस को कोट कर दिया जाएगा, और ऑप्शंस में आपको बोला जाएगा कि पैराग्राफ नंबर बताइए। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से रहेंगे, पहला ऑप्शन आपको दे देगा सपोज सेकंड पैराग्राफ, ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपको दे देगा मान लीजिए लास्ट पैराग्राफ। इस तरीके से करके सेंटेंस आपका जो पैसेज है 4 या 5 पैराग्राफ में डिवाइड किया गया है, तो वो 4-5 पैराग्राफ लिख देगा, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, ऐसे करके, और आपको बस ढूंढ कर निकालना है कि ये सेंटेंस पैसेज में कहां है। तो सिंपली इसका कीवर्ड को फाइंड करना है, कीवर्ड को फाइंड करके फटाफट से उसको पैसेज में ढूंढना है वो कहां है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये दोनों 1-1 मिनट के अंदर ही होंगे डेफिनेटली, और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत सही होती है, क्योंकि आप एक इंग्लिश को सेंटेंस को पढ़कर 4 ऑप्शंस को देख के इतना तो बता सकते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कौन सा है, क्योंकि बाकी 3 कुछ और चीज बात करेंगी, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कौन सा इसका सटीक एक्सप्लेनेशन है, सही एक्सप्लेनेशन है। और कोटेड सेंटेंस तो और भी इजी, बस उसको ढूंढना है वो किस पैराग्राफ में लिखा है, और ऑप्शंस में से उस पैराग्राफ को आपको मार्क कर देना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कोटेड सेंटेंस। अब आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस क्या होता है, देखिए इसमें आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इसके अलावा इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारी चीजें दे दी जाएगी, और ये हमेशा हाईलाइटेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बेनिफिट हमें ये है कि हमें इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा पढ़कर ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये हाईलाइटेड होते हैं। पैसेज में कुछ वर्ड्स को बोल्ड में हाईलाइट करके लिख दिया जाएगा, और फिर आपको क्वेश्चन लिखा जाएगा व्हाट इज द antonym of this word, या what is the synonym of this word, या what is the meaning of this idiom according to the passage. अब इसमें मैंने ऐसा क्यों लिखा है never use your own idea, इसके आगे ये sentence never use your ओन आइडिया क्यों लिखा गया है। ठीक है, हम इसमें भी अपना आइडिया क्यों नहीं लगाएंगे, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है, चलिए यहाँ पे ही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल मानिए कि आपको पैसेज में एक वर्ड दिया है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट जो होता है वो अटेंडेंस इंडिकेट करता है, देखिए मल्टीपल मीनिंग हो रहा है इसका। प्रेजेंट जो है वो सेंटेंस में टाइम इंडिकेट करता है, और प्रेजेंट जो है उसका मतलब गिफ्ट भी होता है। ठीक है, तो अब आपको पूछा गया है क्वेश्चन विच इज द मोस्ट सिमिलर। सिमिलर यानी कि मतलब आपको इसका अगर सिनोनिम पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ प्रेजेंट, और आपको उसमें सपोज करिए अटेंडेंस नहीं लिखा है, टाइम और गिफ्ट दे दिया है, तो जनरली तो इसका मीनिंग यही होता है, तीनों होता है। आप जब क्लास में किसी को प्रेजेंट बताते हैं तो अटेंडेंस के लिए आप प्रेजेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैं बोलूं जैसे
एट प्रेजेंट आई एम टीचिंग द ट्रिक्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये एट प्रेजेंट क्या इंडिकेट कर रहा है, टाइम इंडिकेट कर रहा है। और अगर आप जैसे मैं बोलूंगी माई मदर गिफ्टेड मी अ प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट भी हो जाएगा, प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। तो इन जनरल तो ये इसके तीनों ही मीनिंग होते हैं, जनरली जो होता है तीनों ही करेक्ट है, जनरली ऑल आर करेक्ट, ठीक है, तीनों ही इसके सिनोनिम होते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड, और नीचे आपको लिखा जरूर रहेगा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मतलब पैसेज के हिसाब से मार्क करना है। अब आपने ऑप्शन में पहला ऑप्शन देख लिया गिफ्ट और आप उसको मार्क करके निकल गए, लेकिन जब आपका पैसेज में आप देखोगे जो ये प्रेजेंट वर्ड हाईलाइटेड है, सपोज वहां पे लिखा है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग सो एंड सो स्टेप्स फॉर द वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, तो वहां पे क्या था, एट प्रेजेंट गवर्नमेंट इज टेकिंग सो एंड सो स्टेप। तो पैसेज में प्रेजेंट क्या इंडिकेट कर रहा था, टाइम को इंडिकेट कर रहा था। तो हो सकता है ये हमारा आगे जाके ऑप्शन नंबर 3 पे दिया है, बट आपके पास टाइम की कमी होने के वजह से आपने गिफ्ट को मार्क कर दिया, जो कि हमारा गलत हो गया। तो हमारा जनरलाइज्ड मीनिंग की अगर बात करेंगे तो गिफ्ट भी करेक्ट है, लेकिन हमें आंसर कैसे मार्क करना है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी पैसेज में प्रेजेंट का क्या मीनिंग है उसके हिसाब से आंसर मार्क करना है। तो एक वर्ड का मल्टीपल मीनिंग होता है, ठीक है, एक वर्ड का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम जो आंसर मार्क कर रहे हैं उसका जो मीनिंग हो वो बिल्कुल पैसेज के अकॉर्डिंग हो, बाहर से कोई मीनिंग आप ना अप्लाई करें, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है कि नेवर यूज योर ओन आइडिया, अपने आइडिया का इस्तेमाल ना करें पैसेज में वोकैबुलरी सॉल्व करते वक्त। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोगों ने काफी ट्रिक सीखे, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ट्रिक सीखे कि क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है सॉल्व करने के लिए, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो हमारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इनको कैसे डील करना है, इनमें क्या ट्रिक्स अप्लाई करना है, ये सब मैंने आपको सिखाया। अब इसको अप्लाई करके आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इसमें एक्सपर्ट होते जाएंगे और कम से कम टाइम में आप सॉल्व करेंगे। और किसी को कोई डाउट हो वो टेलीग्राम में मुझसे जरूर पूछे प्रैक्टिस करते वक्त, मैं उसको जरूर क्लियर करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि हमारा सीईटी का एग्जाम के लिए यूट्यूब का नया चैनल स्टार्ट हुआ है महिंद्रास की तरफ से, तो सभी कोई इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि आप अपकमिंग इवेंट जो हमारा सीईटी एग्जाम आने वाले टाइम में होगा उसकी प्रिपरेशन आप यहाँ पे सही से ले सके। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टीज यहाँ पे आपके साथ जुड़ेंगी और आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएंगी। तो डू सब्सक्राइब द चैनल टू रिसीव नोटिफिकेशन ऑफ द अपकमिंग इवेंट्स विच विल बी स्केड्यूल्ड ऑन दिस चैनल, ओके। एंड ऑल्सो circulate this information among all your friends, those who are preparing for government services and definitely planning to prepare for CET exams, तो उन तक भी information जरूर provide करें, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का session जो है आज का यहाँ पे काफी important session रहा, so thank you everyone, have a good day and don't forget to like, comment and share, and if you have not subscribed the channel, ठीक है, तो जल्दी से subscribe करिए clicking on the bell icon, bell icon में click करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाए ताकि वो भी इन क्लासेस का फायदा उठा सके और अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, थैंक यू ऑल।